मेरा नाम गरिमा गुलंदाज है। मैं यहाँ गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में टीआरपी मतलब टीचिंग रिसोर्स पर्सन के कार्य पे कार्यरत हूँ। और यहाँ पे मुझे कार्य करते हुए लगभग 4 साल हो गया है। 2018 से ज्वाइनिंग हुई थी और 2018 से ही ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है। मैं तब से वहाँ पे कार्य कर रही हूँ। यहाँ पे कार्य करते हुए हम जहाँ पे कम से कम 70 से लेकर 80 तक टीआरपी टीचिंग रिसोर्स पर्सन यहाँ पे कार्यरत हैं और यहाँ पे लगभग सिर्फ 20% यहाँ पे परमानेंट टीचिंग फैकल्टीज़ यहाँ पे काम कर रही हैं। ओके, और सर यहाँ पे ये यह है कि हम लोगों ने अपना हर एक कार्य, चाहे वो हमारे जो मेन वर्क जो है हमारा टीचिंग का है, वो तो हमने अपना काम अच्छी तरह से किया है। उसके अलावा भी जो अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं, एग्जामिनेशंस हैं और भी अदर एक्टिविटीज़ हैं, उस पर भी हम लोगों ने अपनी पूरी कार्य अपना पूरा कार्य बहुत ही अच्छी तरह से ईमानदारी के साथ किया हुआ है। हम यहाँ पे 9 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक यहाँ पे कंटिन्यूटी में रुकते हैं और साथ ही साथ जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी आदेश आते हैं उनकी हर तरह से अपनी ईमानदारी के साथ उसका पालन भी करते हैं। यहाँ पे सर 2019 के अंदर गवर्नमेंट में हरियाणा गवर्नमेंट ने एक आदेश लागू किया हुआ था, समान वेतन समान कार्य समान वेतन। ये 2019 से लागू हुआ है और इसके अंतर्गत बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो IGU मीरपुर यूनिवर्सिटी हो, MDU यूनिवर्सिटी हो, उसके अलावा BPS यूनिवर्सिटीज़ हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे 57,700 जो कि मूल वेतन है, हमारा मासिक वेतन है 57,700 रुपये, ये कर दिए गए हैं मासिक वेतन में। तो अभी क्या मुख्य समस्या क्या आ रही है आपके सामने? ये है कि हमारा जो वेतन है वो 2018 से लेकर 2022 तक अभी भी 30,000 ही है। 30,000 फॉर नॉन PhD और 35,000 फॉर PhD कैंडिडेट्स। उसके अलावा सर उन्होंने 1,000 रुपए भी कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है अभी तक। कब से इंक्रीमेंट नहीं हुआ आपका? सर 2018 से ही नहीं हुआ है सर। तो इसको लेकर आपने कहीं पे कंप्लेंट वगैरह दी है इसको लेकर? सर हम लोगों ने हर जगह पे याचिका दी हुई है, हमारे जो कुलपति महोदय हैं उनसे भी कई बार याचिका की है, रजिस्ट्रार सर है उनसे भी कई बार बोला गया है। इसके अलावा हमने CMO ऑफिस है वहाँ पे भी अपनी याचिका दी हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उनको भी हमने अपनी याचिका जो आता है विंडो आती है वहाँ पे हमने अपना लिखा हुआ है। इसके अलावा हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए कमिश्नर DC कमिश्नर ऑफिस है वहाँ से भी हमने परमिशन ली हुई है और माननीय जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे भी बात की हुई है। सर हमने अपनी तरफ से हर जगह पे इस बात को फैलाया हुआ है और सबको बताया हुआ है। जो भी निकाले गए हैं सर अभी सर क्या है कि इन्होंने क्या किया है कि 5 डिपार्टमेंट तो सर इन्होंने बंद कर दिए हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट है साइकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी और डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और पब्लिक हेल्थ। यस मैम। यस सर। कारण क्या है बंद करने का? सर ये सर वही है सर, अब मनमानी, अब क्या करें सर। और सर हम उसके अलावा सर हमारा जो वर्कलोड है मतलब एक हफ्ते के अंदर हम लोग 16 घंटे हम लोग को लेक्चर दिए जाते हैं कि आपको 16 घंटे पढ़ाना है, लेकिन उसके बावजूद अब ये क्या कर रहे हैं कि अब ये अपने उन्होंने कुछ वैकेंसी निकाली हुई है हमारे ही पद के लिए और आज उसका टेस्ट रिटन टेस्ट है। और सर इन्होंने हमारा वर्कलोड काफ़ी कम कर दिया है, एक हफ्ते के अंदर सिर्फ 4 क्लासेस दी हुई हैं जिसकी वजह से हमारा मासिक वेतन 30,000 ना होकर के सिर्फ 10,000 या 12,000 ही होगा। वो भी रिटर्न में नहीं है, वो भी सर टाइम टेबल भी नहीं है सर, इवन सर बच्चों को भी नहीं पता है कि उनकी क्लास कब लगेगी। कौन टीचर बच्चों की भी सर क्योंकि सर TRP ही ज़्यादा है, 80% TRP है, 70 या फिर 18% ही सब परमानेंट फैकल्टी हैं, तो ज़्यादातर सर TRP ही पढ़ा रहे हैं। हाँ हमारी 3 महीने से सैलरी नहीं आई थी, फिर हम माननीय रजिस्ट्रार साहब के पास गए थे तो हमारी लास्ट मई की सैलरी रिलीज हुई है, अभी तक जून की जुलाई की कोई सैलरी नहीं आई है। और अभी हमारी जो है लोगों को छोड़ने का जो इनका मोटिव है या ये लगा लो कि स्ट्रेटजी है वो क्या है कि वर्कलोड कम कर दो 16 घंटे से, और 30,000 और 35,000 भी हमारा फिक्स्ड पे नहीं है हमें, हम अगर दिन के 4 लेक्चर लेते हैं 6 लेते हैं तो भी हमारी डेली की कैपिंग है 2,000 रुपये, और लास्ट में फिर मंथली कैपिंग भी अगर 70 भी बन रहे हैं 80 भी बन रहे हैं तो भी कैपिंग करके PhD को 35,000 और नॉन PhD को 30,000 पे कैपिंग लगाई हुई है पर डे के हिसाब से 2,000 रुपये। तो इस हिसाब से पहले जो 30 और 35 बनते थे अब वो 10 पे 12 पे आ गए हैं, तो ऑब्वियसली बात है लोग अपने आप ही छोड़ेंगे, ये एक स्ट्रेटजी ही है। ठीक है, तो और बाकी हमारे पूरी ऑल ओवर हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ लागू हो चुकी है, बेसिक पे 57,700 दी जाए सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी। इन्होंने जो पोस्ट का नाम निकाला हुआ है वो है टीचिंग रिसोर्स पर्सन। ठीक है,
तो ये भी नोमेनक्लेचर हर एक यूनिवर्सिटी अलग अलग अपना रख देती है। उसके बाद लास्ट में फिर उनको वही कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, लेकिन हमें निकालने की स्ट्रेटेजी कर ली है पहले ही, उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले ही हम गए थे अपनी वो लेके रिक्वेस्ट लेके, बट उस चीज़ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने थोड़ा कोर्ट की तरफ दायरा किया, अब वहाँ से भी हमें स्टे और स्टेटस को मिल गया था, बट उस पर भी कुछ खास इनका रिस्पॉन्स नहीं आया। स्टे और स्टेटस को पे भी जैसे स्टेटस को में होता है हमें एज इट इज़ मेंटेन रखा जाए, लेकिन उसमें मेंटेन क्या हुआ जब आपका वर्कलोड ही कम करके वीकली 4 आवर्स का वीकली कर दिया, 16 घंटे पे ले आए 30 और 35 से, तो वो कहाँ मेंटेन रहा। तो भी नेक्स्ट क्या प्लान होगा, आप प्रोटेस्ट में हैं तो आगे क्या प्लान होगा? हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे मैडम। आप लोग राकेश दौलताबाद जी के पास गए थे? हाँ जी, हम गए थे। इस बारे में जब आपने एक ज्ञापन सौंपा? हाँ जी, हमने ज्ञापन दिया था। तरफ से क्या आगे कार्रवाई हुई और क्या आश्वासन? सर उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वो जब भी यूनिवर्सिटी के मेंबर बने थे उन्हीं दिनों, कुछ दिन पहले ही, हफ्ता दस दिन पहले उन्होंने ऐसा हमें बताया था कि मैं अभी हफ्ते दस दिन पहले ही मेंबर बना हूँ तो मुझे मीटिंग के लिए यूनिवर्सिटी जाना है, तो उस टाइम पे मैं यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से भी बात करूँगा और तुम लोगों को भी, आप लोगों में से भी, हमारा फ़ोन नंबर भी लिया था उन्होंने, आप लोगों को भी मैं बुलाऊँगा तो आमने सामने बैठ कर बातचीत करेंगे, तो इस चीज़ का सोल्यूशन निकालने के हमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, बट वो आए हमारे पास उनका कोई कांटेक्ट नहीं रहा, मतलब उन्होंने हमें कोई कांटेक्ट नहीं किया। यूनिवर्सिटी मातृभाषा है हरियाणा के अंदर, जिसमें ये चीज़ें नहीं दी जा रही, और जो भी फैकल्टी यहाँ पर लगे हुए हैं 80 से 85 लोग जितने भी लगे हुए हैं, वो सारे के सारे प्रॉपर चैनल और पूरा प्रोसेस इंटरव्यू फॉलो करके एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट जो है ये यहाँ पर लगे थे। ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ठीक है, सभी यूनिवर्सिटीज़ में, भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटीज़ में इम्प्लीमेंट हो चुका है, JJU में इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो मोस्टली और ये चीज़ पे हम 4 साल से बैठे भी हुए थे, मतलब 2018 से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी मैडम, 2018 से हैं, तो अब बहुत सारे टीचर्स हैं जो उस दिन से काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को बनाने, यूनिवर्सिटी का पूरा, कुछ डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ टीचिंग रिसोर्स पर्सन है, कोई रेगुलर फैकल्टी है ही नहीं। अभी हमारे पीछे पिछले दिनों ही 15-20 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में आया था कि हमारी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में सिर्फ 17 फैकल्टीज ऐसी हैं जो रेगुलर अपॉइंटमेंट है, टीचर्स में काउंट ही नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए हम लोग उस चीज़ पे रहते भी, हमने चलो रिक्वेस्ट करी थी, अपने कोर्ट की तरफ गए थे, बट कुछ भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे हैं, कुछ भी चीज़ों को मानते नहीं है, डिसीजन माना नहीं जा रहा है, तो हमें मजबूरन यहाँ पे आके खड़ा होना पड़ रहा है। सर इस केस के रिगार्ड में हमने जौहर यादव सर हैं जो BJP से हैं उनसे भी हमने बात की हुई है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आगे जाके इस बात पे कार्यवाही करेंगे और इस चीज़ को बढ़ाएंगे। आश्वासन दे देते हैं लेकिन सर बात हो नहीं पा रही, जो है कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और शोषण पे शोषण होता जा रहा है। ये आज हम बिल्कुल मजबूर होकर के यहाँ पर गेट पर पहुँचे हैं, अन्यथा हमने सभी बिल्कुल पोलाइट वे में और आज भी हम बिल्कुल पोलाइट वे में अपनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो सभी यूनिवर्सिटीज़ ने फॉलो किया है वो प्रोसेस आप भी फॉलो कर लीजिए। गेस्ट के अगेंस्ट कहीं पर टेस्ट नहीं हुआ है आज तक, लेकिन यहाँ पर ये है कि हम लोगों को बाहर करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। गेस्ट फैकल्टी हूँ और है ना 9.5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है और टीचिंग रिसोर्स पर्सन हूँ, PhD हूँ। सर जो सैलरी है आपको देखिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आपने जब हरियाणा गवर्नमेंट ने ये अप्लाई कर रखा है फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज़ एंड फिर भी हमें वो चीज़ नहीं मिल रही। इनफैक्ट हमारा सेमेस्टर सिस्टम है, हमें 3 महीने की सैलरी भी पूरी नहीं मिलती है, बीच में 2-2 महीने के गैप आते हैं, ठीक है। तो सर ये फुल एक्सप्लाइटेशन है देखा जाए तो, क्योंकि हमसे कम तो एक जो स्कूल टीचर है, आई थिंक अगर दिल्ली NCR में आप रहते हैं और इतना वर्कलोड लेते हैं, क्योंकि हमारा वर्कलोड होता है सर मंथली 65 आवर्स से ऊपर है ना, लेकिन हमें क्या मिल रहा है उसकी जगह, हमें 35,000 भी पूरे नहीं मिल रहे हैं मंथली। तो सर ये एक रिक्वेस्ट है हम सबकी तरफ से कि प्लीज़ इस मुद्दे को आप प्लीज़ आगे ले जाएं, हम सबके साथ जस्टिस करें सर। हमें पता चला था गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के टीचर्स द्वारा जो अपॉइंटेड हैं, 4-5 साल से सर्विस कर रहे हैं, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं यहाँ पर, इनकी पता चला था कैसे कैसे इनको हरासमेंट हो रहा है। सो कॉन्टैक्ट हुआ किसी उससे आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी शिक्षा में अच्छी शिक्षा के उसमें खड़ी, समर्थन में खड़ी होती है, करप्शन के खिलाफ खड़ी होती है। सो आम आदमी पार्टी इस प्रोटेक्शन में टीचर्स का फुल सपोर्ट करती है, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उस पर सपोर्ट करती रहेगी यहाँ पर। तो हमने पार्टी में भी बोला है, आज हमारी एक मीटिंग थी पार्टी की, जिस वजह से ज़्यादा यहाँ पे वॉलंटियर और पदाधिकारी नहीं पाए। हमारे प्रदेश के युवा उपाध्यक्ष हैं धीरज भाई, वो आज यहाँ पे समर्थन में, नेक्स्ट जब भी इनकी होगी हम वहाँ पे करेंगे।
लेकिन आम आदमी पार्टी डिमांड करती है जो करप्शन हो रहा है एक्चुअल, जो भी बीजेपी के नेता हैं इन्होंने रिक्वेस्ट कर ली है, करते करते परेशान भी हो गए, उनको खोल के आँख खोल के देखना चाहिए कितना करप्शन हो रहा है। यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं करप्शन फ्री है, लेकिन उनके ही स्टेट में करप्शन हो रहा है और जो डिमांड कर रहे हैं और ये प्रॉपर है, क्योंकि क्या ये करप्शन का काम वाइस चांसलर कर रहा है? वो इस तरह के व्यू बनाए हैं कि अपने आदमी लाएं और यहाँ पे करप्शन के पैसे डिमांड करें और अपॉइंट करें, इसीलिए चार पाँच साल से जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं लगे हुए हैं उनको हटाने का, हरासमेंट करने का, अनऑथोराइज तरीके से करने का कर रहे हैं, जबकि स्टे भी ले लिया है कोर्ट से। ठीक है, उनका क्या है कि वो चार पांच अपना अपॉइंट करेंगे, फिर बाद से बैकडोर से पैसे लेंगे, उनको परमानेंट करेंगे, जो इस तरह की बू आ रही है। हम डिमांड करते हैं सभी बीजेपी के अधिकारियों से, चीफ मिनिस्टर से, शिक्षा मंत्री से, वो इस पे संज्ञान लें, इनकी बात को सुने और गुड़गांव में क्या प्रदेश में अच्छी शिक्षा देने का वो करें। टीचर्स के साथ भी स्टार्ट हो चुका है, तो क्या कहना सबसे पहले आपका? मैं पार्टी तरफ से इनकी जायज मांगों का समर्थन करता हूँ और आम आदमी पार्टी हमेशा ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर खड़ी उतरी है। गुरुग्राम और हरियाणा, भाजपा सरकार ये चाहती है कि गुरुग्राम और हरियाणा में शिक्षा ख़त्म हो जाए, बच्चे बेरोजगार हो जाए, अनपढ़ रहे, ताकि इनकी दुकानें चलती रहे। हरियाणा में गुरुग्राम जो सबसे ज़्यादा राजस्व देता है, वहाँ इन्होंने भट्टा गोड़ कर रखा है, सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं और जो हमारे भाई बहनें जो यहाँ यूनिवर्सिटी में काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे थे उनका शोषण कर रहे हैं ये। इन्होंने कहते कुछ है करते कुछ है, इन्होंने कहा पहले तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला आंदोलन चलाया था इन्होंने, अब ये कहते हैं कि शिक्षा जरूरी है, पर यहाँ इनकी नाके नीचे ही करप्शन चला आ रहा है। जिस देश में शिक्षा नहीं होगी वो तरक्की कैसे कर सकता है? शिक्षा जो है वो ही एक नीचे धरती जुड़े हुए आदमी को बड़ा बना सकती है शिक्षा द्वारा, और कोई बड़ा। प्रोटेस्ट में हमारी पार्टी किस प्रकार समर्थन कर रही है? भाई आज एक्चुअली क्या हमारे दो प्रोटेस्ट और थे, तो लगभग सारी टीम हमारी मानेसर गई हुई है, जैसे पता है किसान आंदोलन चल रहा है, तो मेरी जिम्मेदारी लगी मैं भी वहीं जाऊँगा अभी, बाकी जब नेक्स्ट टाइम इनका होगा तो हम अपनी जो साथी हैं संख्या है उसको बढ़ा के लेके आएंगे। और पार्टी जो हमेशा शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करती है, इन भाजपा वालों को शर्म नहीं आती, इन्होंने अपनी जेब भर रखी है और जो हमारे साथी हैं अपने यहाँ रोजगार करके अपने बच्चे पाल रहे हैं, इनको ये भी हजम नहीं हो रहा। क्यों ये चाहते हैं कि शिक्षा ख़त्म हो जाए प्राइवेट बढ़ जाए बस? तो मैं तो कहता हूँ कि टाइम बदलेगा, आने वाला दो ढाई साल में चुनाव भी आएंगे, पता चल जाएगा इनको कि जैसे आप कर्म कर रहे हो वैसा फल भी मिलेगा आपको। तो पूरी पार्टी और पूरा संगठन हमारा इन सबके साथ में है और जब दोबारा इनकी योजना बढ़ेगी तो हम अच्छी तरह अच्छी संख्या में इनके साथ देंगे। लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।